उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। सीएम योगी ने मीरापुर सीट पर सहयोगी दल आरएलडी के प्रत्याशी मिथिलेश पाल के लिए प्रचार किया। आरएलडी के लिए प्रचार करते हुए आरएलडी प्रत्याशी के लिए प्रचार करते हुए सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने एसपी पर तीखा वार करते हुए कहा कि एसपी को सनातन से पीड़ा है, अब खटाखट वाली कांग्रेस और एसपी को सफाचट करने का वक्त आ गया है। कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। आपने देखा होगा उनके कारनामों को, अयोध्या में नजारा आपने देखा होगा, कन्नौज में देखा होगा। यह नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का, यह नया ब्रांड है इनका। इनको लोग लाज नहीं, ये आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, बेटी और बहन की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोग हैं। इनके वास्तविक संस्कार देखने हैं तो समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के सोशल मीडिया हैंडल को देखिए, कितने घटिया स्तर की बातों को ये लोग करते हैं। ये समाजवादी पार्टी के वास्तविक चरित्र को दिखाता है। नोटबंदी की सालगिरह पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में नोटबंदी के नाम पर एक पूरे का पूरा अध्याय सिर्फ काले रंग से ही छापा जाएगा। आज नोटबंदी की 8वीं सालगिरह के ठीक एक दिन पहले ही कल रुपया डॉलर के मुकाबले सबसे कमजोर स्थिति में आ गया। जनता पूछ रही है, क्या ये नोटबंदी की नाकामयाबी की वजह से हुआ या बीजेपी की नकारात्मक नीतियों की वजह से हुआ? बीजेपी ने अर्थव्यवस्था को अनर्थव्यवस्था बना दिया है। कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी थाने में धरने पर बैठ गए। जानकारी मिलते ही कार्यकर्ता भी मौके पर इकट्ठा हो गए। मामला फजलगंज थाना क्षेत्र का है। दर्शनपुरवा के रहने वाले ओम प्रकाश गुप्ता सपा कार्यकर्ता हैं। उनका आरोप है कि पुलिस ने उनका 151 में चालान कर दिया, जिसके बाद उन्होंने फोन पर पूरी जानकारी विधायक अमिताभ वाजपेयी को दी। अमिताभ वाजपेयी फजलगंज थाने पहुंचे और वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए। अमिताभ वाजपेयी का कहना है कि जब तक चालान खत्म नहीं किया जाएगा तब तक धरना खत्म नहीं होगा। जानकारी के बाद एसीपी नजीराबाद समेत भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज भी जमकर हंगामा हुआ और आज भी हंगामे को लीड करते हुए सबसे पहले बीजेपी विधायकों से भिड़ने के लिए इंजीनियर रशीद के भाई और आवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद शेख पहुंच गए। मार्शल ने खुर्शीद शेख को खींच कर बाहर निकाला। वहीं कल भी खुर्शीद ने 370 के हक में पोस्टर दिखाया, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ और आपस में मारपीट हुई थी। आज भी हंगामा हुआ और इंजीनियर रशीद के भाई खुर्शीद शेख को बाहर निकालने के साथ ही विरोध कर रहे बीजेपी के विधायकों को उठाकर सदन से बाहर कर दिया गया। वृंदावन के आचार्य कौशिक महाराज ने रेलवे ट्रैक पर भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए माफी मांगी है। संत समाज की ओर से लगातार हो रहे विरोध के बाद उन्होंने अपनी गलती मानी और इसके लिए ब्रज के संतों और सभी भक्तों से माफी मांगी। अभी जबलपुर में आयोजन हुआ, मुझे कोई करके बता तो दे, 362 घंटे अनवरत दिन रात अभिषेक चला है, एक सेकंड के लिए बंद नहीं हुआ। अभी दो यज्ञ हुए हैं, 357 घंटा एक यज्ञ, 352 घंटा एक यज्ञ चला है, दिन रात आहुतियां डली है। जैसे हमें बोला जा रहा है सनातन धर्म के विपरीत और इस आदमी से वृंदावन को खतरा है। यदि मुझसे वृंदावन को खतरा है तो एक बात मैं कहूंगा, आप मुझे वृंदावन से निकाल सकते हैं लेकिन बिहारी जी के हृदय से नहीं आप मुझे निकाल सकते। इस बात को मैं डंके की चोट कह रहा हूं। देश की लीडिंग डिजिटल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म मनी कंट्रोल ने एक और बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। गूगल आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में मनी कंट्रोल के यूनिक विजिटर्स 10 करोड़ के पार हो गए हैं। ग्लोबल डिजिटल मेजरमेंट एजेंसी कॉमस्कोर के मुताबिक मनी कंट्रोल सितंबर में अपने प्रतिद्वंदी इकोनॉमिक टाइम्स के मुकाबले 31% बढ़ा है। मनी कंट्रोल के पेज व्यूज भी ईटी के मुकाबले 40% ज़्यादा हैं। कॉमस्कोर के आंकड़ों से ये भी पता चलता है कि मनी कंट्रोल में लोग किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के मुकाबले कहीं ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं।
सितंबर में 407.48 मिलियन मिनट्स स्पेंड के साथ ही मनी कंट्रोल सबसे आगे है। प्रीमियम सर्विस प्लेटफॉर्म मनी कंट्रोल प्रो के भी अभी हाल ही में 10 लाख सब्सक्राइबर पार हुए हैं। मनी कंट्रोल आज देश का सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज़ सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म तो है ही, साथ ही साथ इसकी गिनती दुनिया के टॉप 15 डिजिटल प्लेटफॉर्म में हुआ करती है। मनी कंट्रोल ऐप का इस्तेमाल हर महीने करीब 70 लाख लोग कर रहे हैं और ये नंबर लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि मनी कंट्रोल नेटवर्क 18 का हिस्सा है।